इस काले जोड़े ने एक सुनहरे बालों वाले सफेद बच्चे को जन्म दिया। देखिए, इस आदमी का नाम बेन इनेगबोरो है और उसकी पत्नी का नाम एंजेला है, और वे दोनों नाइजीरिया से हैं और लंबे समय से शादीशुदा हैं। उनके एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन एक दिन उन्होंने ब्रिटेन जाने का फैसला किया, जहां बेन को जल्द ही एक ग्राहक सेवा सलाहकार की नौकरी मिल गई और एंजेला गृहिणी बन गई। और जब उनकी जिंदगी स्थिर हो गई तो जोड़े ने तय किया कि वे एक और बच्चा चाहते हैं। कुछ समय बाद एंजेला गर्भवती हो गई और एक और बेटी को जन्म देने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को देखा तो वे उसकी उपस्थिति से चौंक गए, क्योंकि न केवल उनके बच्चे की त्वचा सफेद थी बल्कि उसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं, जो उसके माता पिता से बिल्कुल अलग थीं। शुरुआत में डॉक्टरों का मानना था कि या तो बेन या एंजेला के पास सफेद पूर्वज थे जिन्होंने उनकी बेटी की उपस्थिति को प्रभावित किया था, श्वेत मूल के रिश्तेदार। लेकिन मुझे पता है कि मेरी माँ नाइजीरिया से है और वह काली है। लेकिन जब बेन और एंजेला ने साफ किया कि उनके कोई रिश्तेदार या पूर्वज गोरे नहीं थे तो डॉक्टरों को यकीन ही नहीं हुआ। तभी बेन को शक होने लगा और उसने अपनी पत्नी से सवाल करने शुरू कर दिए, सोचते हुए कि शायद उसने उसे धोखा दिया हो। यह अभी भी भ्रमित करने वाला था कि हमारे पूरे काले परिवार में एक सुनहरे बालों वाला व्यक्ति है। मुझे सवाल पूछने पड़े क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि यह क्या मामला है। मुझे पूरी तरह यकीन है कि वह मेरा ही बच्चा है। मुझे यकीन है कि वह मेरा बच्चा है, लेकिन समझ नहीं आता कि उसके बाल सुनहरे क्यों हैं। लेकिन काफी सोच विचार के बाद बेन ने अपने सभी शक दूर कर दिए, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार है और उसे धोखा नहीं देगी, और उसने माना कि उनका बच्चा खास है। जल्द ही इस जोड़े की खबर तेजी से वायरल हो गई और कई लोगों ने इस नवजात बच्चे को एक चमत्कार कहा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बच्चा एक विशेष जीन्स उत्परिवर्तन का परिणाम है, जहां उसके माता पिता में सफेद जीन थे जो कई पीढ़ियों पहले बने थे और अब तक सामने नहीं आए थे। विशेषज्ञों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि इस बच्चे में अल्बिनिज्म का मामूली मामला हो सकता है, और दावा किया कि बच्चे की त्वचा समय के साथ गहरी हो सकती है। हालांकि अब तक यह क्यों हुआ इसका कोई निष्कर्ष नहीं है और इस कहानी के बारे में कोई और खबर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि बेन और एंजेला दोनों अपनी बेटी को सुंदर और भगवान का दिया हुआ चमत्कार मानते हैं।